दोस्तों नमस्कार। लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, ये मुकाबला लखनऊ के एकाना स्टेडियम में है। इसे आप कॉफी विद करण भी याद आ जाता है, वो एक अंश जिसमें हार्दिक पांड्या और केएल राहुल दोनों दिखाई दिए थे और विवादों में आ गए थे दोनों ही। और इसके अलावा इस मुकाबले को जो है दो पुराने दिग्गजों की लड़ाई भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ पीयूष चावला हैं तो एक तरफ अमित मिश्रा हैं, दोनों ही लेग स्पिनर्स हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो है इस मुकाबले में दोनों भाइयों की लड़ाई भी इसे कहा जा सकता है। कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या एक तरफ दोनों आमने सामने होंगे। तो इस मुकाबले में मयंक यादव क्योंकि अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं और वो यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे, और क्योंकि मॉर्ने मोरकल ने कहा है कि हर तरह के फिटनेस टेस्ट को पास कर चुके हैं, दो मुकाबले उन्होंने यहाँ पर खेले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए और दोनों मुकाबलों में बहुत ही शानदार उनका प्रदर्शन रहा। लेकिन तीसरे मुकाबले में वो केवल एक ओवर कर पाए थे जिसकी वजह से उनको रुखसत होना पड़ा, इंजरी का शिकार होना पड़ा। उसके बाद ये उनका मुकाबला आज सबको, हर कोई बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है उनके फिट होने का और उनके खेलने का, क्योंकि वो फिटनेस प्रमाण पत्र उनको एक तरह से मिल गया है। मॉर्ने मोरकल का इतना कहना ही काफी है। और दूसरी जो कमजोरी है लखनऊ सुपर जायंट्स की वो है क्विंटन डिकॉक का ना चल पाना। पिछली 5-6 पारियां अगर आप देखेंगे तो वहां वो केवल एक ही मौके पर 20 का आंकड़ा पार कर पाए हैं। लोअर ऑर्डर में कोई पावर हिटर दिखाई नहीं दे रहा। कुणाल पांड्या हो, आयुष बदानी हो, दोनों की पावर हिटिंग जो है क्षमताएं 130-132 के आसपास की उनकी स्ट्राइक रेट है, जो उनको एक कटघरे में खड़ा करती है। तो ये एक कुछ एक परेशानियां हैं। वहीं मुंबई इंडियंस की बात करें तो परेशानियां वहां भी कम नहीं है। अच्छी बात ये है कि कोइत्ज़ी अब फिट होकर इस मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देंगे और कोइत्ज़ी ने काफी अच्छे खासे विकेट चटकाए हैं, थोड़े से महंगे साबित हुए हैं और ना लुक वुड चल पा रहे हैं और ना ही अन्य तेज गेंदबाज नुवान तुषारा। ऐसी स्थिति में बुमराह को एक साथ मिलना, जोड़ीदार मिलना बहुत जरूरी होगा। और वहीं ईशान किशन और रोहित शर्मा, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, ये दोनों खिलाड़ी जो है अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म से काफी दूर दिखाई दे रहे हैं, बेस्ट फॉर्म में बिल्कुल नहीं दिख रहे। रोहित शर्मा की भी पिछली 2 पारियां खराब गई हैं और ये मुकाबला इकाना पर है और 5 लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं जहां पर 200 का आंकड़ा एक बार भी पार नहीं हुआ है। रेड सॉइल का इस्तेमाल होगा तो गेंद बल्ले पर आएगी और मुझे नहीं लगता कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ लखनऊ इतनी बड़ी गलती करेगा, क्योंकि रेड सॉइल पर खेलने की आदी है मुंबई की टीम। तो ऐसी स्थिति में बहुत संभव है काली मिट्टी पर यह मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। तो इस मुकाबले के लिए हो जाइए तैयार और रोचक मुकाबला हो सकता है, क्योंकि मुंबई की टीम आखिरी जो चंद मुकाबले होते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती है। हालांकि दोनों टीमें जो हैं एक एक अपना अपना मुकाबला हार कर आई हैं, बड़ा रनों का पीछा करते हुए भी 247 रन बनाए थे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, उसके बावजूद इस टीम को हार का सामना करना पड़ा। सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ भी इस टीम ने 246 का आंकड़ा बनाया था लेकिन उसके बावजूद टीम जीत नहीं पाई थी। तो अब यहां से जो है लखनऊ की टीम देखा जाए तो वो भी राजस्थान रॉयल्स से एक मुकाबला हारी है, लेकिन यहाँ अब क्योंकि छोटा ग्राउंड था दिल्ली में और दिल्ली के बाद अब बड़े ग्राउंड पर मुंबई का बड़ा इम्तिहान है, तो इस इम्तिहान पर उसे पास होना ही होगा और अच्छी रन रेट भी बनानी होगी, बाकी सभी मुकाबले जीतने होंगे, अन्यथा टीम से रुखसत होने में उसे देर नहीं लगेगी। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर, और अगर आपको इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।